हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश के क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय वो आपके क्रश आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस अगर पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब कभी मैं क्रश पर रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके क्रश की क्या करंट एनर्जीज है इस समय। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश की इस समय क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं उनको, उनके लिए। द फूल का कार्ड है, यहाँ पर है फोर ऑफ सूट्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्स, वाओ, द हर्मेट, यहां पर है सिक्स ऑफ वॉन्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहां मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज हैं। द मून, यहां पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्स, वाओ, यहां पर है द स्टार का कार्ड। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके जो क्रश हैं या फिर आपके जोडिक साइन जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस वीरगो कैप्रिकॉन हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस थोड़ा कम दिख रहा है, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, तो गाइस मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके क्रश ना आपके क्रश आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आप बहुत खूबसूरत लगते हो, छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखता है कि वो ना मेंटल ओवरलोड, कोई कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके क्रश। अब ये प्रॉब्लम मनी में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ कभी अच्छी नहीं रही है, कुछ वो एनर्जीज मैं देख रही हूं, या फिर कभी भी जो भी ये लव लाइफ है कभी सही नहीं रही है। हो सकता है आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, या हो सकता है इनके जो भी एक्स रहे हैं उनके साथ लव लाइफ इनकी उतनी अच्छी नहीं थी जितना ये सोचते थे, या अभी भी नहीं है। अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो तो मुझे ये दिख रहा है बेसिकली ये अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा छुपाते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं बट दिखाते नहीं है, छुपाते बहुत हैं। आप यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है आप ना सोचते होगे पता नहीं ये मुझे लाइक भी करता है, ये मुझसे प्यार भी करता है या करती है, इनके कभी भी एक्शन से आप नहीं समझ पाओगे या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा इनको देख कर कि ये भी आपके लिए क्या फील करते हैं, मैं वो देख रही हूँ। बहुत छुपाते हैं ये अपनी फीलिंग्स, ये ना मटेरियलिस्टिक थोड़े हो सकते हैं, मनी माइंडेड और करियर फोकस्ड मुझे बहुत ज्यादा दिखते हैं ये। और मुझे यहां पर दिख रहा है यस, हील कर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है जैसे मैंने बोला कि पास्ट, इनके पास्ट रिलेशनशिप या करंटली रिलेशनशिप में है या अच्छे नहीं रहे हैं बेसिकली, मैं वो एनर्जीज देख रही हूं यहां पर। बट आपके लिए ये काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन, लॉन्ग टर्म
कनेक्शन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, बस इनकी जो एनर्जी है ऐसी कि बस इसी देखता रहूं या देखती रहूं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। बहुत ज्यादा आपकी आंखों में खो जाना चाहते हैं, आप में खो जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे कितना कितना अट्रैक्शन फील करते हैं ना, आप जान भी नहीं पाओगे, मतलब इनको देखकर लगेगा भी नहीं, बहुत फ्लर्ट हो सकता है, ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं या करते भी हैं। कुछ लोगों के क्रश लिटरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपसे फ्लर्ट करते हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा इनकी एनर्जीज है ना बात करने की, कि मैं बात करता रहूं या फिर बात करना चाहते हैं आपसे, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर है। फिलहाल ये सेल्फ फोकस्ड बहुत है, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने में पूरा फोकस कर रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर दिख रहा है ना, इनको अभी ऐसा लगता है कि मुझे अभी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में नहीं आना है, क्योंकि अभी मैं अपने लिए बहुत हूं, अभी मैं खुद से ही अपने लिए काफी हूं, मुझे किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आना है, ऐसा ये सोचते हैं। आपके साथ भी अभी इन्होंने कनेक्शन में आने का सोचा नहीं है। वो और बात है कि इनको आपको देखकर बहुत फीलिंग्स है, बहुत अच्छा लगता है, पर ये रिश्ते में नहीं बनना चाहते हैं अभी किसी भी तरीके से, मतलब प्रपोजल अभी देना नहीं चाहते हैं, या ऐसा दिख रहा है अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। पर एक अलग तरीके का झुकाव, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, ये अलग तरीके का झुकाव, मैग्नेटिक पुल आपसे फील करते हैं। देखो लॉन्ग टर्म चाहते हैं ये कनेक्शन, शादी भी करना चाहते हैं, पर फिलहाल ये रेडी नहीं है, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि ब्लेस्ड फील करते हैं आपसे और शादी भी करना चाहते हैं। मैं वो कुछ एनर्जीज तो देख रही हूँ इनकी। ओके, इनको ऐसा लगता है ना कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप आपके लिए कमी नहीं है, आप इस ऐसे इंसानों जो काफी ब्यूटीफुल है, जिसके अराउंड काफी लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, ये ऐसा कुछ फील करते हैं, और पर ये नहीं चाहते, पसेसिव हो जाते हैं आपके लिए, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये किसी के साथ कनेक्शन में जाए। देखो अपना तो नहीं आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप भी जाओ ये नहीं चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के और के साथ रिलेशनशिप में आओ, बेसिकली इनको पसंद नहीं है दूर दूर से ही आपको स्टॉक करना, आपको देखना, अप्रिशिएट करना, आपकी तारीफ करना चाहते हैं ये, पर करते नहीं है, वो बात अलग है, पर हाँ चाहते जरूर है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ उनकी। बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं आपको दूर से, वो दूर वाला स्टॉक बहुत ज्यादा दिख रहा है। देखो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना ये करियर फोकस्ड है, अभी अपना करियर पे फोकस करना चाहते हैं, अपना मनी फाइनेंस अच्छे करना चाहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हाँ बाद में प्रपोजल दूं, मैं ऐसी कोई एनर्जीज देख रही हूँ इनकी। ओके, बट ऐसा है कि जब मुझे शादी करनी है तो मुझे इसी से करनी है, यानी कि आपके लिए ऐसा फील करता है ये। ओके, तो यहाँ पर दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है द स्टार का कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, तो ये ना डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। ये एक ऐसे इंसान है ना, अगर आपकी लाइफ में कभी आए ना, ये आपको खुश रखेंगे, ये आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे और लॉयल रहेंगे, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, ये लॉयल रहेंगे गाइस, ये उस टाइप के इंसान है, लॉयल लॉयल आपको लेकर। समटाइम्स तो ये पॉजिटिव होते हैं और समटाइम्स नेगेटिव भी हो जाते हैं सोचकर, मैं ऐसे ही एनर्जीज देख रही हूँ। और लेकिन आप दिन भर बैक ऑफ द माइंड इनके चलते ही रहते हो, सोचते ही रहते हैं ये आपको, आपके बारे में, आपको लेकर ये एनर्जीज बहुत दिख रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के क्रश की। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, देखो गाइस मुझे यहां पर दिख रहा है ना, ये आना चाहते हैं आपके साथ, एक बंधन में बंधना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है इनके दिल की चाबी आप हो, आप काफी समझदार हो, आप काफी मैच्योर हो, ऐसा ये सोचते हैं, आपको अलग तरीके से देखते हैं ये। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दिल की बात कहता हूं या कहती हूं तो आपको बुरा लग सकता है, ऐसा भी ये सोचते हैं,
ऐसा कुछ फील करता है, मैं वो भी देख रही हूँ। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है इनको भी काफी लोग पसंद करते हैं, ये गुड लुकिंग मुझे दिख रहे हैं, दिख रही हैं, ब्यूटीफुल हो सकती हैं, आपकी क्रश या गुड लुकिंग हो सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में दूरियां भी हैं, या तो दूर सिटी से हो या दूरियां मुझे बहुत दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। और हो सकता है कि कुछ यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, या तो आप मैरिड से डील कर रहे हो ऑलरेडी, ये मैरिड हैं, या फिर कोई है इनकी लाइफ में, ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई तो है इनकी लाइफ में जो इनको पसंद करता है, करती है, या फिर कोई ऐसा है जो इनके साथ कनेक्शन में रहना चाहता है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना ये थोड़े इगोस्टिक, इंट्रोवर्ट, अपनी फीलिंग्स छुपाने वाले, ये मुझे दिखते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, ऐसा कुछ दिखते हैं या दिखाते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, यहां पर है टू ऑफ कप्स का कार्ड। यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो पहले से एक दूसरे के साथ, तभी आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज्यादा फील करते हो, आप इनके साथ कनेक्शन, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, वैसे ही ये भी आपसे फीलिंग रखते हैं, बट ये कनेक्शन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि जैसे मैंने बोला, या तो बैड एक्सपीरियंस है, बैगेजेस है पास्ट, ऐसा कुछ हो सकता है, या भी ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में जहां पर सुकून नहीं है, खुश नहीं है, पर आपसे ना इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा आपसे फील करते हैं आपके लिए, मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, जब भी देंगे ना ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे, ये मतलब हो सकता है बहुत से लोगों को आपके क्रश डायरेक्ट रिलेशनशिप में ना आकर शादी के लिए बोले, वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है बहुत से लोगों के लिए। ओके, इनकी तरफ से प्रपोजल, कमिटमेंट वाला, वो भी शादी का, ये दिखता है मुझे, आपके क्रश आपको दे सकते हैं, बट करंटली इनकी स्थिति, इनकी सिचुएशन मुझे ठीक नहीं दिख रही है लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, मनी हो सकता है, बट लव लाइफ से रिलेटेड चीजें अभी सही नहीं है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो चलिए दूसरे डेक से भी थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के क्रश की। नो थिंकनेस, अभी फिलहाल ये कुछ नहीं सोच रहे हैं कि प्रपोजल दूं या आगे बढ़ूं, अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लेटिंग गो। देखो फीलिंग्स बहुत है, पसंद करते हैं, पर इनने कहीं ना कहीं लेट गो कर दिया है अपनी फीलिंग्स को, यानी कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया। इनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा वाकई में कुछ कनेक्शन है तो गॉड देख लेंगे, हम दोनों को मिला देंगे, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। हीलिंग, देखो गाइस, मुझे यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखता है ना, ये सेल्फ लव कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, कुछ तो पास्ट ट्रॉमास हैं इनके, यानी कि बुरे रिलेशनशिप से निकले हैं, धोखे से निकले हैं, या बिट्रेल से निकले हैं, या करंटली भी हैं पर निकलना चाहते हैं, हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ आपके क्रश की। ओके, पर दिल में बहुत फीलिंग्स हैं इनके आपके लिए, बहुत ज्यादा फील करते हैं, और आप भी एट द सेम टाइम फील करते हो, बट हाँ आपको रुक कर देंगे, प्रपोजल देंगे, विद मैरिज का प्रपोजल मुझे दिखता है, पर रुक कर देंगे। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे रीडिंग मिलती रहती है क्रश पे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।